सीपी रिबॉलिंग करने के लिए सबसे पहले हम मैकेनिक फ्लेक्स पेस्ट SD360 अप्लाई करेंगे, उसके बाद SMD की हीट 350C रखेंगे और एयर 2 रखेंगे। SMD अगर आपके पास दूसरी है, KT-850A+ नहीं है, दूसरी मशीन है, तो उसकी एयर आप इतनी रखनी है कि पार्ट कंपोनेंट उड़े ना। मशीन को CPU के ऊपर गोल गोल घुमाते रहना है। CPU को आप हिला के भी देख सकते हैं अगर वो पेस्टेड नहीं है तो। लगभग 40 से 50 सेकंड हमें लगभग मशीन को घुमाते रहना कंटिन्यूस। उसके बाद इसको हल्का सा उठाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं आसानी से ये निकल चुका है, कोई भी पैड डैमेज नहीं हुआ है, किसी भी तरह की कोई यहाँ पर डैमेज नहीं हुई है। नॉर्मल लोग क्या करते हैं, जब भी आप CPU निकालते हैं तो उसके पैड निकल जाते हैं नीचे IC के, तो उससे बहुत दिक्कत आती है। फिर आपका CPU रिवॉल्व कर लेंगे लेकिन लगाएंगे तो वर्क नहीं करता है। अब पैड साफ करने के लिए फिर से हम यहाँ पर मैकेनिक फ्लेक्स पेस्ट SD360 अप्लाई करेंगे और यहाँ पर मैं शोल्डर विक लिया है, मैंने मैकेनिक कंपनी का R300 और आयरन है यहाँ पे OS स्टीम का T12X। हीट इसकी कर रखी है 350C। अगर आप पंखा वगैरह यूज़ करते हैं तो उसमें इसका टेम्परेचर थोड़ा और बढ़ा लेना चाहिए, लगभग 380 के आसपास कर लेना चाहिए, अदरवाइज आपका शोल्डर विक चिपकेगा। आयरन चलाने का तरीका यह है कि शोल्डर विक चिपके ना नीचे टिप्सों से, अगर वो चिपक रहा है तो उसका मतलब ये है कि आपका हीट कम कर रखी है। अब यहाँ पे ये काला काला सा हो गया, ये इसलिए हुआ क्योंकि हमारा जो फ्लक्स पेस्ट है वो थोड़ा लो टेम्परेचर का है, इसकी वजह से वो इतनी हीट पे वो जल जाता है, 350C पे जलने लगता है, वो ब्लैक हो जाता है। अब हम CPU क्लीन करेंगे। CPU क्लीन करने के लिए पहले फ्लक्स पेस्ट अप्लाई करेंगे, 350C हीट रखेंगे शोल्डिंग आयरन की, शोल्डर विक वही है मैकेनिक R300। शोल्डर विक को घिसना नहीं है इसके ऊपर कस के, बस आयरन से हल्का हल्का घुमा देना है जिससे कि बस शोल्डर निकल आए बस। अगर आप यहाँ पे घिस देंगे तो इसकी लेयर जो होती है CPU की वो डैमेज हो जाती है। अब हम यहाँ पर मैकेनिक कंपनी का शोल्डर पेस्ट 138C अप्लाई करेंगे। और आयरन से इसको चारों तरफ घुमा देंगे, इसकी जो बॉल है सभी बॉलों पे ही शोल्डर लग जाना चाहिए। उसके बाद शोल्डर विक से इसको साफ कर देंगे। साफ करने के लिए आप मैकेनिक PCB क्लीनर 883 ले सकते हैं या ग्लू रिमूवर आता है वो भी ले सकते हैं, दोनों अच्छा काम करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं CPU एकदम क्लीन हो चुका है, कोई भी बॉल डैमेज नहीं है। अब हम रिबॉलिंग करेंगे CPU की। इसके लिए MOI कंपनी की यूनिवर्सल इंस्टेंसिल लिया है यहाँ पर, क्योंकि मेरे पास प्रॉपर इंस्टेंसिल नहीं है। अगर प्रॉपर इंस्टेंसिल ले लेते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। यहाँ पर मैकेनिक कंपनी का शोल्डर पेस्ट है 183C। SMD मशीन की हीट यहाँ पर 250C रखेंगे। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर मैं KT-850A+ SMD मशीन यूज़ कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आप बॉल चेक कर सकते हैं, अगर कोई छोटी बड़ी फील हो रही है तो उसको ब्लेड से काट के और दोबारा से शोल्डर पेस्ट इसमें लगाएंगे और दोबारा से रिवॉल्व कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर मैंने परफेक्टली एक ही बार में सारी बॉलें देख ली हैं, सब ओके बन चुकी हैं। तो यूनिवर्सल इंस्टेंसेस से जब भी आप रिवॉल्विंग करेंगे ज़्यादातर वो दो बार ही रिवॉल्व करनी पड़ती है। दो बार रिवॉल्विंग के बाद उसकी सारी बॉलें अच्छे से बन जाती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी बॉलें बन चुकी हैं। अब इसकी बॉलों को लेवल करने के लिए हमें एक बार और फ्लेक्स पेस्ट अप्लाई करके और 250C हीट रख के इसकी बॉल को लेवल कर लेंगे। CPU रिबॉलिंग करना बहुत आसान है, बस आपको स्क्रैप मदरबोर्ड चाहिए, जिसे 70-80-100 समथिंग रुपये में आपको मदरबोर्ड मिल जाता है, स्क्रैप मदरबोर्ड। उसमें CPU लगे हुए मिलते हैं, आप आराम से 10-5 मदरबोर्ड पर प्रैक्टिस करेंगे तो CPU रिबॉलिंग आपको आसानी से आ जाएगी।
बस आपको हीट का खास ख्याल रखना है, और ये ख्याल रखना है कि सीपीयू का कोई भी पैड डैमेज ना हो, ना तो नीचे डैमेज हो ना सीपीयू का कोई बॉल डैमेज हो। बॉल डैमेज तभी होती है जब हम सीपीयू को निकालते हैं या फिर शोल्डर विक से उसको साफ़ करते हैं। तो साफ़ करने के लिए आप दूसरा भी तरीका अपना सकते हैं, एसएमडी मशीन और शोल्डर विक का यूज़ करें। मैंने बहुत सारी वीडियोस में ट्रिक दिखाई है, आप वो ट्रिक भी अपना सकते हैं, वो बिल्कुल सेफ़ तरीका है, और उससे बिल्कुल भी सीपीयू कहीं से डैमेज नहीं होगा, कभी भी उसकी लेयर ख़राब नहीं होगी। तो अब हम सीपीयू इंस्टॉल करेंगे। सीपीयू इंस्टॉल करने के लिए पहले फ्लैक्स पेस्ट लगाएंगे, बहुत ज़्यादा फ्लैक्स पेस्ट नहीं लगाना है, अदरवाइज़ सीपीयू तैरने लगेगा, हिल जाएगा अपनी जगह से। थोड़ा सा फ्लैक्स पेस्ट लगाना है, आप उंगली से भी लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर 350C हीट रखनी है और मशीन को गोल गोल घुमाते रहना है, सीपीयू अपने आप हिल जाएगा। अगर नहीं हिलता है तो यूज़र से एक बार उसको एक या दो बार साइडों से हिला लेंगे, बहुत हल्के से हिलाना है। मैंने एक बार नीचे से हिलाया, एक बार ऊपर से हिला दिया। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।